अरे उठो रे बाबा। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग भाई। दिन के 8:30 बज चुके हैं, हमारी दिन की शुरुआत अब हो रही है और रात को सिर भारी हो गया था। मेरा भी हो गया था। तो भाई सब फैला पड़ा है, जैसे तैसे थकान इतनी थी ना कि पूछो मत, और रात को ये सब कुछ निकाल के जैसे तैसे डाल के सो गया था। तो एनीवेज गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उदय चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा सफ़रनामा जो हमने शुरू किया है, ये कैंपिंग वाली। और इन वादियों को देख लो एक बार, कल रात को नहीं दिखा पाया था, इन वादियों को देख लो। और वो झरने का शोर नहीं, नदी का शोर सुनाई दे रहा होगा आपको। तो फिलहाल थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए आप लो टी ब्रेक। गाइस गुड मॉर्निंग। पहले तो बताओ हमारी ये गेटअप कैसी लग रही है आपको, है ना थोड़ा अजीब सा राइडिंग वाले कॉस्ट्यूम से हटके। और अभी सुबह हुआ है हमारा और कॉफ़ी तैयार हुआ है और कॉफ़ी पीने की शुरुआत है, मतलब दिन की शुरुआत तो हमारी चाय से होती है, बट यहाँ चाय बनाने में थोड़ा सा लफड़ा है, इसलिए हमने कॉफ़ी से शुरुआत करा है। और इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉमन मिल जाएंगी मेरी वीडियोज़ में और मिस्टर करण वर्मा। अभी देखो शकल पे मुस्कान कैसी आ रही है, मतलब ऐसे मुस्कान नहीं आती, इसके लिए त्याग करना पड़ता है, ऐसे कॉफी बना के पिलाना पड़ता है। सुबह सुबह उठो ना, लग जाओ सर दिन की शुरुआत में। तो एक मैसेज और है यार, लाइफ खुद से जीना बड़ा मुश्किल होता है, घर में तो बना बनाया मिल जाता है, हमें कदर नहीं होती है। भाई नमक ज्यादा है, ये चीनी ज्यादा है, लेकिन खुद से बनाओ तो टेस्ट क्या स्वाद आ रहा है यार, मजा आ जाता है। मजा खुद मेहनत करके बना रहे तो पता चल रहा है कि कैसे बनता है, लेकिन मजा आ रहा है अल्टीमेट। लेकिन सही में, और आज हमारा ये पहला स्टे है, मतलब आज दूसरा दिन हो गया, कल रात को हम रुके थे, तो शायद आपको दिखाया था, इतना ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाया था क्योंकि अंधेरा हो चुका था। पहुंचते यहाँ पे 6:30-7 के आसपास हो गया था, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ आपको दिखाया नहीं। अब प्लान ये है कि हम कल यहाँ से निकलेंगे मॉर्निंग में हर्सिल वैली के लिए, और अभी खाना वाना बनाना है हमें, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा खाना बनाते आपको दिखाऊंगा, लेकिन यार बोरिंग प्रोसेस है तो इतना ज़्यादा देखना भी मत, बस शॉर्टकट में दिखा दूंगा। और एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मेरी ये दूसरी कैंपिंग है, मतलब दूसरा मेरा डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैंने कैंपिंग करी है। भाई बहुत एक्सपीरियंस मिलता है पहले कैंपिंग के बाद। सही बात है। तो दूसरे में बहुत सुधार किया हमने, तीसरे में भाई और मतलब कम्प्लीटली सुधार हो जाएगा, फिर जो थोड़ी सी कमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल आप भी कॉफ़ी पियो, मज़े करो और मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। रुला के गया प्याजवा, बनाएंगे हम अंडवा। भाई अंडा बनाना अंडवा नहीं बनाना, गलत मत समझ लेना, फीलिंग को समझो यार, सर्दी हो रही है अभी। कर्णपा जी तो मजे ले रहे हैं, रात में इन्हें बनाऊंगा आज, क्या बनाऊंगा, सेब बनाऊंगा, गलत मत समझ। मैंने क्या कहा था, धूप नहीं आएगी। धूप आएगी, अभी तो ये रही सामने धूप, जब यहाँ डूबने जा रही सूरज, अभी देखना आधे घंटे बाद धूप आएगी। भाई हमारा चाकू स्पेशल है प्याज काटने की, और मैं चॉपिंग अच्छा करता हूँ देख लो। हाँ इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रात को शॉपिंग यही करेंगे, मैं नहीं करने वाला, शक हो या ना हो, जैसे भी हो गया हम खाने को रेडी हैं। देखो दोस्तों अंडा, अंडे उबाले हैं। जा सजना तुझको बुला दिया, वादा किया हंसाने का मुझको रुला दिया। जा सजना तुझको भुला दिया। अभी तक एक विनर। अरे भाई, अरे सर जी चिपक गया इससे ज्यादा, ये बहाने बनाने छोड़ दो गुरुजी। बहाने बनाने छोड़ दो। एंड क्लियर विनर इज मिस्टर धीरज चौधरी। भाई विनर वो होता है
हाँ जी बताओ कौन होता है जो एक ही अंडा छीले, जो लास्ट का लेता है। अच्छा लास्ट का तो वो लेता है जो सबसे पीछे आता है, क्योंकि एक ही बचा हुआ मिलेगा उसे। ये कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे। क्या सच्चा हो गए देखते, पक्का गाली सुनोगे वीडियो में देखना भाई, दबा के बचना, दबा के सुन सुन दो। आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो दोस्तों ठंड भी लग रही है, हाथ बर्फ हो गए बिल्कुल हमारे। एक कड़ी इज रेडी एंड राइस हमने डाल दिया अभी, लेट्स कंप्लीट दिस। उसके बाद हमारा होगा ब्रेकफास्ट कह लो या लंच कह लो, जो भी वो होगा। तो बस अभी ये देख रहा हूँ, ये वाले सिलेंडर हमने यूज़ किया है क्योंकि यार ये कैन है ना काम का नहीं है, जब आप ठंड में आते हो तो काम नहीं करता है। तो अभी इसको कर लेते हैं और ये रेडी होने दो, फिर मिलते हैं लंच। तो देखो दोस्तों कैसे लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती है, ये बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये देखो धीरज भाई लकड़ी इकट्ठी करके लाए हैं, इकट्ठी हम दोनों किया है, मैं लेके आ रहा हूँ बस। ये देख लो भाई दिखा रहे हैं प्योर एडवेंचर। और देखो यहाँ पे पाना वाना सब बन रहा है, गिर गया नहीं। कोई बात नहीं, हाँ ये हमारा बोन फायर का इंतजाम है आज रात को, ये रात को करेंगे। और अभी और लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं, ये तो दो मिनट का काम है बस। हाँ ये तो सिर्फ स्टार्टर है, बाकी अभी करेंगे, बाकी अभी मेन कोर्स बाकी है, मेन कोर्स। हाँ बाकी ये देखो ये सब मामला तैयार हो गया है, हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ हो रहा है दोस्तों। ब्रेकफास्ट नहीं लंच ही। हाँ ओके सो वंस अगेन एक कड़ी से रेडी फ्रेंड्स, और सर जी कह रहे हैं कि मेहनत सफल है पूरा, तो खाना खाते हैं। और थोड़ी सी प्याज रह रही है, वो प्याज लोगे आप? नहीं। चलो ठीक है फिर सर खाते हैं। और ये जो हमारी कैंपिंग वाली प्लेस है यहाँ पे, इसके ठीक नीचे एक नदी बह रही है, शोर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। फिलहाल हम चल रहे हैं नीचे, और प्लेस तो यार काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे ठंड ज़्यादा है क्योंकि ना धूप की रोशनी इस पहाड़ों की वजह से ना नीचे तक आ नहीं पाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। फिलहाल निकले हैं दोनों, चिकन लाते हैं, आज रात का मेन्यू चिकन करी है, तो पार्टी का स्पेशल है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज तीसरा दिन है हमारा और सुबह हो चुकी है और मैं भी उठ चुका हूँ फ्रॉम द ब्यूटीफुल प्लेस हिना। ये पड़ता है हर्सल वैली से थोड़ा सा पहले, और अब हमें निकलना है नीचे। ये देख रहे हो मेरे हाथ में बाल्टी है जो हमने पास में ही एक घर से लिया है, क्योंकि हमारा जो पोर्टेबल बाल्टी था वो टूट गया था तो ये लेना पड़ा। और कल रात को भाई इतना थक गए थे कि बनाने के बाद खाना वाना तो हमने बना लिया था, लेकिन जब खाने की बारी आई तो ध्यान ही नहीं रहा कि हमारा बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमने चार्ज भी नहीं की, तो वीडियो शूट नहीं कर पाया था, इसलिए वीडियो की क्लोजिंग रह गई थी। एनीवे आज चलेंगे, और भाई प्लेस इतनी मतलब जबरदस्त वाली है ना कि